हेलो फ्रेंड्स, डिस्कशन कम्युनिटी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म में मैं हेमंत प्रधान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि डिस्कशन कम्युनिटी के बारे में आप जानते हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और मुख्य परीक्षा की तैयारी इस डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ने के बाद होती है। तो डिस्कशन कम्युनिटी में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वायु प्रदूषण कारण और रोकथाम, यानी कि एयर पॉल्यूशन कॉजेज एंड सॉल्यूशन, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बहुत सामान्य लगता है और हम इसे बहुत सामान्य समझ के इसे इसकी अनदेखी करते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मैं इसे दो तरह से बताऊंगा। पहला, इसे एक निबंध के रूप में बताऊंगा, और दूसरा, अगर आप CGPSC का मेंस का पेपर देखेंगे तो पेपर 4 का भाग 3 का पार्ट, ये पूरा वायु प्रदूषण या प्रदूषण से संबंधित है। तो वायु प्रदूषण जो सामान्य दिखता है और हम इसे बिल्कुल भी सामान्य टॉपिक देखने की गलती करते हैं और हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं जिससे कि हमको मार्क्स नहीं मिलते, तो मैं उन सभी जरूरी चीज़ों को बताऊंगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, सभी जरूरी चीज़ें यहाँ पे उल्लेखित हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जरूरी फैक्ट्स हैं, जरूरी जो चीज़ें हमको डालनी चाहिए आंसर राइटिंग में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करेंगे। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि वायु प्रदूषण कारण और समाधान, सपोज एक टॉपिक हमको मिला, उस टॉपिक को लिखने के वर्ड लिमिट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है इसे आपको 175 शब्द का लिखने के लिए बोला जाए, या हो सकता है या निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग के टॉपिक के बेस पे भी आ सकता है। लेकिन कुछ जरूरी बातें या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप जान रहे होते हैं तो आपका काम दोनों में हो जाता है, यानी कि एक अच्छी आंसर राइटिंग भी हो जाती है और एक स्टैंडर्ड जो होता है, एक निबंध लेखन भी हो जाता है। तो आइए इसे हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक देख रहे हैं, वायु प्रदूषण कारण एवं समाधान, इस टॉपिक को यदि हम एक ऐसे राइटिंग के फॉर्म पे अगर लिखें तो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से जो एक अच्छा आंसर राइटिंग के लिए होना चाहिए, मैं इसे इस प्रकार से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं इसे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना पार्ट होगा, फिर बीच में इसका बॉडी वाला पार्ट होगा। तो बॉडी वाले पार्ट में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से ऐसे कारण हैं उनको मैं लिखूंगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इस कारण में एक नेचुरल जो होता है कारण होता है, और दूसरा मैन मेड यानी कि मानव जनित कारण हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा विस्तार कर लें। उसके बाद यदि आप इसको अच्छे से लिख लिए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के हाल ही में या हमारे इतिहास में आप झांक के देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे भयावह परिणाम हुए हैं, तो उसका भी जरूर उल्लेख करें। जैसे कि यहाँ मैं उल्लेख किया हूँ भोपाल गैस कांड का, और ये बाकी अन्य चीज़ें देख रहे हैं, इसे हम विस्तार से देखेंगे। और उसके बाद हम उपाय यानी कि सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और इस बीच हमारे पास ये तीन पॉइंट कवर करने के बाद, ये कारण परिणाम और उपाय को कवर करने के बाद, ये पूरा बॉडी का पार्ट कवर हो जाता है, और ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप खूब सारे रिच कंटेंट डाल सकते हैं, हम वही करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये इस चीज़ को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो अंतिम पार्ट आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का। तो आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत इतने सारे अगर पॉइंट बना लेते हैं तो ये अपने आप में 360 डिग्री लेवल पे कवर हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, क्योंकि हमको पहले प्रस्तावना देना है, ठीक है। तो प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन देना है। तो वायु प्रदूषण क्या है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि कोई भी टॉपिक हो, आंसर राइटिंग में हमेशा याद रखिएगा संवैधानिक जो अधिनियम है या संवैधानिक या कोई भी ऐसे कानून बने हैं उनका उल्लेख जरूर करें। और दूसरा, जो हमारे की कॉन्सेप्ट हैं, जो कहना चाहिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जो नहीं चेंज होता, उनका भी उल्लेख जरूर करें। जैसे कि हम वायु प्रदूषण के टॉपिक में हम खूब सारी लंबी आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन विदाउट फैक्ट्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें ना होने के कारण हमको बहुत सारे, आप 3 पेजेस 4 पेजेस 5 पेजेस भी लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाते और आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे वो सब पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा आप क्या करें, कुछ प्रभावकारी यानी कि प्रभावशाली शब्दों या सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या है पहले लिखें कि, तो वायु प्रदूषण क्या है, जैसे जब लिखेंगे आप प्रस्तावना के अंतर्गत,
यानी कि उसकी एक सामान्य एक सी परिभाषा जितने सरल से सरल शब्दों में हो सके, तो उसे इस प्रकार जैसे कहेंगे कि वायुमंडल में या पर्यावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वसंतुलन यानी होम्योस्टैटिक क्षमता। तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि यदि कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उसमें स्वयं को संतुलित करने की क्षमता होती है। और हम देखते हैं कि पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक कारक हैं, तो जो अजैविक कारक के अंतर्गत जो आता है उसमें क्या आता है, वायु आता है। तो अजैविक कारक में वायु यदि आता है तो वायु किसका निर्माण करता है, एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आप जान ले थोड़ा सा, जैसे देखते हैं कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। आपके 21% क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। 0.09% ऑर्गन है, 0.03% क्या है, ऑक्सीजन है। तो और अन्य भी गैसें हैं, ओजोन है, आपके हाइड्रोजन है, क्रिप्टान है, बाकी जो गैसें जो हैं सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, उनमें से एक और गैस भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि आप देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यदि आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कई बार क्या रूप में काम करता है, ये हीट बढ़ाने का काम करता है और बाद में ये संयोजित होकर पोल्यूटेंट का भी काम करता है, यानी प्रदूषक का भी काम करता है। तो प्रस्तावना को यदि आप लिखेंगे तो वायु प्रदूषण क्या है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये एक अजैविक कारक है और अजैविक कारक जो है प्रत्यक्ष रूप से जैविक कारक, यानी कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल या प्लांट से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। यदि हम इसे डिस्टर्ब करते हैं या कहें तो वायु का जो सांद्रण है, तो वायु में जो निश्चित टाइप की गैसें हैं यदि उनको हम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ने के बाद क्या होता है, वो हमको प्रभावित करता है, ठीक है। अब प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ ज़्यादा लंबा ना लिख के कुछ सिंपल से कुछ वर्डिंग्स आप लिख लें और वर्डिंग्स लिखने के बाद आप सीधा कहाँ चले जाएं, कारण पे या कॉसेस पे। तो कारण यदि देखते हैं तो इसके जो प्राकृतिक कारण हैं, दावानल यानी कि कई बार क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। जंगलों में आग दो रीजन से हो सकता है, या तो कोई वहाँ पे माचिस या किसी के थ्रू या कोई चिंगारी भड़क उठे जिसके कारण वो सूखे पत्तों का हेल्प लेके सब तरफ फैल जाए, एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा, दो बांस के बीच या दो पेड़ों के बीच जो सूखे होते हैं उनके बीच यदि घर्षण होता है तो घर्षण के कारण भी आग पकड़ सकती है। तो यदि वो जलता है तो चूंकि प्लांट जलते हैं तो प्लांट क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, एक कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ जब भी जलेगा क्या होगा, बहुत सारा कार्बन का एमिशन होगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन होगा जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। दूसरा, नम भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स वाले एरिया में देखना, आपको थोड़ा बदबू महसूस होगा। बदबू महसूस इसलिए होता है वहां, क्योंकि मीथेन गैस का प्रेजेंस होता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो गैस वहाँ विसरित हुए रहते हैं, उतना को ही प्रभावित करते हैं। परागकण यानी कि आप देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो फूल होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हवा तेज चली या फिर कई बार आंधी तूफान आता है या कई बार नेचुरल तरीके से भी क्या होता है कि वो परागकण क्या आ जाते हैं, पूरे वायुमंडल में आ जाते हैं और बह जाते हैं अलग अलग एरिया में, और उसके बाद भी प्रदूषण होता है। एक और है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटने के कारण भी क्या है, लावा निकलता है और बहुत सारे गैसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। ये वो कारण है जो प्राकृतिक कारण है, इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसे हम बदल भी नहीं सकते और ये नेचुरल जो है वो उसे उसी अवस्था में छोड़ सकते हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम जो हैं ह्यूमन बीइंग हैं और हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वायुमंडलीय संतुलन को या पर्यावरणीय संतुलन को हमारे कुछ ऐसे कृत्यों के द्वारा या कुछ ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषित कर रहे हैं। तो वो प्रदूषित जो कर रहे हैं वो कई तरीके से कर रहे हैं। तो एक है उद्योगों से, उद्योग छोटे से लेके बड़े उद्योग सब में क्या होता है, किसी न किसी रूप से हम प्रदूषण फैलाते हैं, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, वाहनों के द्वारा, जैसे वाहन जो होता है आपका निजी वाहन हो सकता है, सार्वजनिक वाहन हो सकता है, कुल मिला के जितने भी वाहन हैं सब एमिशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, तो हाइड्रोकार्बन के एमिशन्स के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। घरों में प्रयोग होने वाला, सपोज चूल्हा या केरोसिन ऑयल जो हम जलाते थे पहले, अल्टीमेटली क्या है, या तो बायोमास है या वो हाइड्रोकार्बन है, उसके जलने के बाद भी क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है। और उसका एक अच्छा उपाय भी अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत
लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि जो है एलपीजी गैस के द्वारा हमको क्या है एक नए टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं घरेलू ईंधन का। फसल प्रणाली, किसी को याद होगा कि कुछ दिनों पहले या अभी भी वर्तमान तक भी दिल्ली का वो एरिया काफ़ी प्रदूषित है। प्रदूषण के दो मुख्य कारण माने गए थे, पहला सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा उपयोग न करना यानी कि वाहनों के द्वारा निकले हुए हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा उन दिल्ली एनसीआर वाले एरिया से जुड़े हुए प्रमुख प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, तो उन क्षेत्रों में क्या है किसान जो है अपने खेतों में फसल काटने के बाद बची हुई जो ठूंठ होती है जिसे हम पराली कहते हैं, तो पराली को जलाने के बाद जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या हुआ कार्बन का पार्ट जो है वायुमंडल में आया, तो उसके बाद क्या है वो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिकी पदार्थ के रूप में भी वो क्या है वायुमंडल में प्रदूषण फैलाया है। हमारी जीवन शैली, बिल्कुल इसे मत भूलिए जिसे हम सामान्य रूप से नहीं देखते, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम बिना पर्यावरण हितैषी हुए सब चीज़ करने लगते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लूँगा कार्बन फुटप्रिंट, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे द्वारा प्रयोग की गई कोई भी वस्तु किसी न किसी दुनिया के किसी न किसी कोने में बन रही होगी। यदि वो बन रही होगी तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी होगी, और ऊर्जा तभी मिलता है जब आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करें या कहना चाहिए परंपरागत रूप से प्रयोग की गई किसी भी ऐसी चीज़ों को यदि आप ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र में कार्बन का एमिशन करता है। यानी कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हम कम से कम कार्बन फुटप्रिंट करें यानी कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे कि हमारी मांग जो है कम हो सके और उधर प्रोडक्शन भी कम हो पाए। ठीक है, ये मैं पर्यावरण के संदर्भ में बता रहा हूँ, तो कार्बन फुटप्रिंट हमेशा हमको कम करना चाहिए। तो हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ एक्लेमेटाइज होकर रह पाएँ यानी कि पर्यावरण के साथ अनुकूलित होकर रह पाएँ। ठीक है, तो ये जो है आपका जीवन शैली भी एक प्रमुख कारण है। अब ये जो प्रमुख कारण है इन कारणों को आप विस्तार से जरूर लिखें, तो विस्तार से लिखने के पहले कुछ ऐसे वर्ड में ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आप आंख मूंद कर भी लिखेंगे तो आपके वायु प्रदूषण का एक रिच कंटेंट बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि वायु प्रदूषण तभी फैलता है जब उनके वायु में अवांछित तत्व आ जाते हैं। अब अवांछित तत्व क्या हो सकते हैं, अवांछित तत्वों को हम प्रदूषक कहते हैं यानी कि पलुटेंट। तो पलुटेंट बेसिकली देखिए दो प्रकार का होता है, या तो प्राइमरी पलुटेंट होता है, प्राइमरी पलुटेंट मतलब वो पलुटेंट जो डायरेक्ट क्या है इन्वायरमेंट में छोड़ दिए जाते हैं और उसी अवस्था में प्रदूषण फैलाते हैं। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिकी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप गूगल करेंगे तो कुछ जगह ऐसा दिखता है कि ये डायरेक्ट पलुटेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बता रहा हूँ कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट पलुटेंट के तौर पे नहीं आता, यानी कि पलुटेंट है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में करता है, लेकिन संयोजन के बाद इसका जो रूफ है वो बाद में बदल जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस जो गैस जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आता है और उसी अवस्था में वो धीरे धीरे प्रसार करने लगता है और वो बेसिकली गर्मी बढ़ाता है कहना चाहिए, लेकिन बाद में वो पलुटेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एनीवेज इसे आप इस रूप में जरूर समझें। इसके बाद देखिए आप द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पलुटेंट। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक यदि इसकी हेल्प से यानी कि प्राइमरी पलुटेंट प्राथमिक प्रदूषक की मदद से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये एक नए रूप में बदल जाना, उसे हम क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी पलुटेंट कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन के साथ संयोजन बना के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, और उसके बाद देखते हैं कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। उसी प्रकार नाइट्रिक एसिड, और आप देख रहे हैं पराक्सी एसिटल नाइट्रेट यानी PAN। दीज आर द एलिमेंट या दे आर द पार्ट ऑफ एक्चुअली पलुटेंट। ये सब क्या हैं, वास्तव में प्रदूषकों के भाग हैं या खुद प्रदूषक हैं। लेकिन यदि आप वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखेंगे तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो 8 प्रदूषणकारी जो तत्व निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर उन्होंने वो जो सूचकांक वो रिलीज करते हैं,
वो उसके आधार पे देखते हैं कि 8 प्रदूषणकारी तत्व हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, लेड और पर्टिकुलेट मैटर 10, यानी कि पीएम का मतलब पर्टिकुलेट मैटर यानी कणिकीय पदार्थ। तो ये वो कारक हैं जिसके कारण हमको क्या होता है, हमको आभास होता है कि किसी एरिया का या किसी क्षेत्र की वायु क्या है, प्रदूषित होती है, या कह सकते हैं कि ये ही वो प्रमुख कारण है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझे कि ये वो पॉल्यूटेंट है जो प्रमुख कारण है। ठीक है, अब ये कारण जो है ये जितना प्राकृतिक और मानव जनित देख रहे हैं इनका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, यही सब है, यानी कि उसका अंतिम परिणाम क्या है, यही प्रदूषक वायुमंडल में आते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए, यदि आपने इसको जान लिया तो उसके बाद क्या करें, आप इसका क्रमशः विस्तार करें। जैसे कोई भी जो वाहन होता है वो हाइड्रोकार्बन से मुख्यतः चलता है, तो हाइड्रोकार्बन एमिशन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, सार्वजनिक वाहन से ये होता है, उद्योगों के द्वारा यदि एमिशन होता है तो भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये भी क्या है, वही तो प्रदूषक हैं जो मुख्य कारणों में गिने जाते हैं। अब यहाँ पे चाहें तो घर का देखें तो घर में भी बायोमास जलाते हैं, यदि लकड़ी आप जलाते हैं तो, कोयले जलाते हैं तो, फसल प्रणाली यानी पराली को जलाते हैं भी हैं, तो क्या है, आपका कार्बन का एमिशन हो रहा है। ठीक है, यानी बायोमास यानी जैव भार जब भी होता है, बायोमास जो जलता है यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जलता है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें निकलेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यदि आप इन कारणों का उल्लेख अच्छे से कर पाएं, थोड़ा सा आप इसको बता दें शॉर्ट में, उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से आप बता दें, तो ये आपको क्या है, ये कारण वाला पार्ट तो एटलीस्ट दोनों तरह से क्लियर हो जाता है, इस तरह से सामान्य तरीके से भी और टेक्निकल तरीके से भी। ठीक है, यानी कि विशिष्ट जो रिच कंटेंट के तहत ये कवर हो जाता है। अब यदि आप देख रहे होंगे, मैं इसका रिजल्ट लिखा हूं, रिजल्ट लिखने के मेरे दो उद्देश्य हैं। रिजल्ट जो होता है, हमारी ऐतिहासिक चीजों को अगर देखते हैं या हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं, तो हाल ही में कौन सी ऐसी बड़ी घटना हुई थी जिसका हम यदि उल्लेख करते हैं तो हम सामने जो एग्जामिनर है उसे प्रभावित कर जाते हैं, क्योंकि हम उनको आभास दिला देते हैं कि हमको बहुत प्रमुख तथ्य मालूम है, और यदि उसको उसके फैक्ट्स एंड फिगर को सही रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपना काम कर जाते हैं। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये है, यदि आप इनके कारण को जान जाते हैं तो कारण के बाद हाल ही में जो हमसे संबंधित है डायरेक्ट रूप में, वर्तमान की स्थिति है उसे भी बता देते हैं, तो हमारे करेंट सिनेरियो भी पता चल जाता है कि करेंट सिनेरियो में वास्तव में जो वायु प्रदूषण के प्रमुख परिणाम के रूप में क्या आ रहा है, लाइक दिल्ली वगैरह की बातें या डिसीज वगैरह की बातें। ठीक है, तो कौन भूल सकता है वो दिन 2-3 दिसंबर 1984 की बात, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि वहाँ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के फैक्ट्री में जो एक कीटनाशक निर्माण करने वाली कंपनी थी, वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट MIC है ना, MIC गैस के लीकेज के कारण जो है पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो गया था, और उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या हजारों और लाखों में है, और उनको क्या है, वो क्षेत्र क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुका था, उसके जो कुछ कहना चाहिए गंभीर परिणाम काफ़ी सालों तक देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसका ज़रूर उल्लेख करें क्योंकि ये हमारे भारत की स्वयं की घटना है। दूसरा मैं लिखा हूँ फोटोकेमिकल स्मग, यानी लॉस एंजलिस स्मग भी इसे कहते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में क्या है, क्या क्या गैसें हो सकती हैं वायुमंडल में, आपको जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये गैसें हैं बेसिकली अवेलेबल हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रदूषित एरिया जहाँ पे इन गैसों का सांद्रण बदल जाता है, सांद्रण बदलने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि वो कई तरीके से प्रदूषित हो सकते हैं उस क्षेत्र की सांद्रता। तो वो हुआ वही कि लॉस एंजलिस शहर में क्या हुआ था, जो
स्मग, स्मग और फॉग, मैं दो चीजों में अंतर आपको बता देता हूं। स्मग किसे कहते हैं? स्मग को अगर हिंदी में अगर कहा जाए तो धुंध कहते हैं या प्रकाश कोहरा कहते हैं, या प्रकाश कोहरा कहते हैं। और धुंध जो होता है इज इक्वल टू स्मग, बराबर क्या होता है? धुआं प्लस कोहरा, यानी कि स्मोक प्लस फॉग। मैं इसे लिख रहा हूं, मैंने कहा धुंध बराबर धुआं प्लस कोहरा। हम में से बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, धूम कोहरा भी कहते हैं, धुंध को धूम कोहरा भी कहते हैं, नॉट प्रकाश कोहरा, ठीक है। तो धुंध बराबर धुआं प्लस कोहरा, तो धुआं में क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है वो, प्लस कोहरा, ठीक है, फॉग, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? स्मग बनाते हैं। तो दिल्ली का जो प्रदूषित एरिया है वास्तव में क्या है? वो धुंध है, और वो क्या कहते हैं? उसे स्मग कहते हैं। तो स्मग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, इसे याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और यहां पे जो यदि धुंध वाला एरिया में आप जाते हैं तो आपको श्वास संबंधी बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि फोटोकेमिकल स्मग के बारे में जरूर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। जैसे वहां पर क्या था? स्मग प्लस फॉग प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस ज्यादा टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट रेस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्मग, फॉग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और ज्यादा टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस के बाद क्या है? एक लाल भूरे रंग का एक ऐसा पदार्थ बनाए जिसके कारण सबको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और सोचिए रबर जिसमें इलास्टिसिटी होती है वो भी क्रैक होने लगे। तो ये इतिहास की लॉस एंजलिस की घटना सबसे पहले यहां हुई थी और इस कारण इसे हम क्या है? लॉस एंजलिस स्मग कहते हैं, ठीक है। इसमें भी किस चीज का निर्माण हुआ था? इस चीज में इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बना था? पराक्सी एसिटल नाइट्रेट ओजोन जो है बना था, वो बैड ओजोन बना था, ठीक है। तो यहां पे इसके कारण क्या है? लाल भूले रंग का जो है एक गंभीर, एक कहना चाहिए कंपाउंड बना था जो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ना केवल मनुष्यों में बल्कि वनस्पतियों में और सामान्य चीजों में भी। दूसरा एक और उल्लेख कर सकते हैं, सल्फर स्मग। तो इसे लंदन स्मग भी कहते हैं क्योंकि 1952 में लंदन में यह पाया गया था सबसे पहले, और इसमें यह लंदन का टेम्परेचर कम रहता है, वहां पे कोल भी जलाया जाता था, तो कोल प्लस कम टेम्परेचर, उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड और कहना चाहिए स्मग और फॉग। मैं रिपीट करता हूं, स्मग प्लस फॉग प्लस सल्फर के ऑक्साइड प्लस कोल प्लस लो टेम्परेचर, ये सब मिलके किसका निर्माण कर रहे थे? H2SO4 का निर्माण कर रहे थे। और H2SO4 के निर्माण के बाद वो फुहार के रूप में आई और उससे कम से कम उस समय में, तत्कालीन समय में 4000 लोग मर गए थे। तो ये लंदन की एक बहुत बड़ी घटना है, इसे भी आप एक फैक्ट के साथ जरूर डाल सकते हैं। और उसके बाद आती है दिल्ली की वर्तमान स्थिति, हर कोई जानता है दिल्ली की स्थिति। उनके दोनों प्रमुख कारण मैंने बताया, पहला जो प्रमुख कारण है वाहन और दूसरा जो प्रमुख कारण है वो पराली का जलाना, ठीक है। तो पराली जलाने को हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका कुछ प्रबंधन कर सकते हैं, तो उपाय के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो उसका उपाय भी हम नोट करेंगे, ठीक है। ये वो परिणाम है जो इतिहास की है। वर्तमान में क्या ऐसी परेशानियां आ सकती हैं? वर्तमान की अगर परेशानियां देखें तो जितने भी कहना चाहिए पल्मोनरी डिसीज हैं, यानी कि हमारे फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, या ब्रेन स्ट्रोक का पार्ट है, या हार्ट फेलियर होने का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट रिलेट होते हैं आपके दैनिक जो चीज़ों से, जो श्वास लेते हैं, जो खाते हैं, उससे संबंधित होता है। तो प्रमुख बीमारियां जो होते हैं, श्वसन रोग होते हैं, हृदय रोग जो होते हैं, इसके कारण जो है पूरा
हमारा जो बॉडी है वो प्रभावित हो सकता है, गंभीर परिणाम है। जैसे लेड वगैरह का भी बढ़ना, तो लेड बढ़ने से आपका एनीमिया, सिर दर्द वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में क्या है, पार्टिकुलेट मैटर क्या है, तुरंत क्या है, वो डाइल्यूट नहीं होते, वो काफ़ी समय तक जाते हैं और काफ़ी परेशानी में वो रखते हैं आपको। और यदि वो फेफड़ों में पहुँच जाता है तो समझिए, अगर आप एक स्मोकर हैं, मान लो स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग से प्राप्त होने वाली जो हानिकारक वायु जितना आपके अंदर जा रहा है, तो दिल्ली एरिया में क्या था कि एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता वो सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक वायु अपने बॉडी में ले रहा है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो और बुजुर्ग क्यों ना हो, तो वो एक गंभीर परिणाम के रूप में आप लिख सकते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन, ये पॉइंट भी ज़रूर लिखिए, ये वो पॉइंट है जो सामान्य लोग नहीं लिखते हैं। और उसके दो एरियाज बताइए, पहला ओजोन डिप्लीशन को जरूर बताइए। ओजोन डिप्लीशन को बताने के बाद आप पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करिए कि वायु जो एक पर्यावरण का एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है, वो प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के द्वारा PAN यानी कि पराक्सी एसिटल नाइट्रेट का निर्माण करता है। और ये पराक्सी एसिटल नाइट्रेट एक्चुअल में पौधे जो अपना फूड बनाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। अगर वो रोक देता है तो वो पौधा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, मरने लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इकोलॉजिकल लेवल पे ये डिस्टर्बेंस डालता है, और इसे अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा एक आप प्रभाव डालेंगे, ठीक है, जो हर कोई नहीं लिखता। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित क्या, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, जिस जो प्रकाश संश्लेषण को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये चीज लिख लिए तो आपको ओजोन के बारे में भी थोड़ा विस्तार करें, ओजोन से संबंधित जितने भी जरूरी डेवलपमेंट है उसको भी थोड़ा सा डाल दें, डिपेंड करता आपके वर्ड लिमिट पे, ठीक है। अगर वर्ड लिमिट कम है तो आप ओजोन के सामान्य प्रभाव डाल दीजिए, यानी कि वो ओजोन परत को डिस्टर्बेंस डालता है, वायु प्रदूषण यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड बाकी जितने भी जरूरी बातें हैं वो सब उसका उल्लेख करते हुए ओजोन जो होल है उसका बता दें, और अल्ट्रावायलेट रेस के दुष्प्रभाव बता दें, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आ गई, और यदि आपने इतना कर लिया तो मैं समझता हूँ कि परिणाम के अंतर्गत ये सब जरूरी चीज़ें आ गई हैं। जलवायु परिवर्तन को भी जरूर लिखें, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, चाहे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, या जो जलवायु परिवर्तन संबंधित जितने भी सम्मेलन हैं, सब में मुख्य मुद्दा पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण का मतलब आप तीनों चीज़ों से ही हो सकता है, या तो लिथोस्फीयर से होगा, या हाइड्रोस्फीयर से होगा, या फिर वो एटमॉस्फेयर से होगा, यानी कि जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल से ही संबंधित होगा। तो उसे भी जरूर लिखें कि जलवायु किस हद तक परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। यदि इतना लिख देते हैं तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। उसके बाद देखें कि आपके इसके क्या क्या उपाय ऐसा कर सकते हैं, तो उपायों में अगर आप जाते हैं, प्रमुख उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ इतने सारे जरूरी चीज़ें तो जरूर डालना चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ZEVs का मतलब क्या है, जीरो एमिशन व्हीकल्स। जीरो एमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या है कि जो वाहनों के द्वारा निकलने वाले जो वायु होते हैं वो प्रदूषित होते हैं, उसके अंदर वो हाइड्रोकार्बन एमिशन करते हैं, कार्बन के एमिशंस करते हैं, सल्फर के एमिशन करते हैं, तो उनके जो यौगिक हैं उसका एमिशन कम से कम हो। वो कब कम होगा, यदि हम एक उच्च गुणवत्ता वाले या अच्छे इंजन का या अच्छे प्रकार के जो नए टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करें। तो हाल ही में जैसे कि हमने देखा BS3 वाहन को रोक के BS4 वाहन कर दिया गया, यानी अपग्रेड कर दिया गया, जो अपेक्षाकृत थोड़ा कम प्रदूषण फैला रहे थे। BS4 BS5 की ओर जा रहा है और BS5 BS6 की ओर जा रहा है। वर्ष 2020 में जो है आपका BS6 वाहन भी आ सकता है। BS का मतलब क्या है, भारत स्टेज। भारत स्टेज क्या है कि ये जो है CPCB यानी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत ये एक ऐसा मानक है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है कि जो प्रमुख प्रदूषणकारी तत्व हैं उन प्रदूषणकारी तत्वों को रोकने के लिए हम ऐसे इंजन का निर्माण करें या ऐसे प्रकार के वाहन का निर्माण करें जो कम से कम प्रदूषण फैला रहा था। तो BS के ज़्यादा अच्छे मानक जैसे BS5 या BS6 मानक
ऊर्जा के नए टाइप के कहना चाहिए एक अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छे प्रकार के रिलेटिवली अच्छे प्रकार के वायु का एमिशन करेगा जो कम प्रदूषणकारी होगा। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग, जैसे दिल्ली की घटना भी देखें तो सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करें, हम सब भी बहुत सारे सार्वजनिक वाहनों का और कुछ ऐसे बिना प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से आप उसको अपने से रिलेट करें। तो हम सब क्या हैं, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, इसे भी जरूर आप करें। उद्योगों में ESP का मतलब क्या है, उद्योग बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसों का एमिशन करते हैं। ठीक है, यदि हम ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का अगर हम चिमनियों में उसे लगाते हैं तो एटलीस्ट कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाते। और दूसरा, यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को अनिवार्य कर देते हैं तो अनिवार्य कर देने से कार्बन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में कम आएगी या नहीं आएगी, तो एटलीस्ट ये आप कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्सों का यानी स्वच्छ ऊर्जा का हम प्रयोग करें। जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी सोलर एनर्जी, ठीक है, या टाइडल एनर्जी, या कहना चाहिए विंड एनर्जी, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो साउथ के जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं विंड एनर्जी के, और इसी प्रकार सोलर एनर्जी को भी हम टारगेट रखे हैं कि वर्ष 2025 तक कम से कम हमारी कुल ऊर्जा की मांग जो है का 1/4 हम किससे करें, या 1/4 से 1/3 की ओर जाएंगे सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से। अब रिन्यूएबल एनर्जी में दो बड़ी चीज़ें हैं, पहला विंड एनर्जी, दूसरा सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है या नवीकरणीय ऊर्जा के और विस्तार भी हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप चाहें तो, यदि आपके पास वर्ड लिमिट थोड़े ज़्यादा हो तो जो नवीकरणीय ऊर्जा के ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस को भी जरूर लिखें। ठीक है, तो स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग को हमें लिखना चाहिए। फसल अवशेष, जैसे कि पराली का जलाना, उस पराली को जलाने के बजाय उसे हम कुछ ऐसा ट्रीट करें यानी कि कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उसका रीयूज़ करें, जैसे वो बायोमास है अल्टीमेटली, यानी कि जीव का ही अवशेष है, प्लांट का ही अवशेष है, यानी कि वो बायोमास यदि है तो उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल का निर्माण जो है इससे किया जा सकता है। उस ठूंठ का प्रयोग या पराली का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, जो मशरूम्स वगैरह हैं, है ना, मशरूम कल्टीवेशन या मशरूम के जो प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि हम एक अच्छे जो है प्रकार के खाद यानी जो होना चाहिए नेचुरल खाद यानी कि ग्रीन खाद वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इनोवेटिव आइडियाज हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा थर्मल प्रोजेक्ट भी बने कि उस पराली से हम कुछ यूज़ करके नए टाइप के ऊर्जा के कुछ प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि साइंस में सब पॉसिबल है। तो ऐसे प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ का भी हम प्रयोग करें। ठीक है, वही नवाचारी का मॉडल, वही इनोवेटिव मॉडल। ठीक है, उसके बाद अवशेष प्रबंधन नीति, ये जरूर याद रखिए कि 1974 में बना हुआ जल प्रदूषण अधिनियम में जब हमको महसूस हुआ कि वायु प्रदूषण के भी कुछ जरूरी फैक्ट हमको शामिल करने चाहिए, तो 1984 में अधिनियम में हम वायु प्रदूषण के सभी मानकों को उस अधिनियम के अंतर्गत ले आए, और जो प्रमुख प्रदूषक है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, हमको एक नई प्रबंधन नीति लॉन्च करनी पड़ी। ठीक है, और वो प्रबंधन नीति आज थोड़ा और सशक्त बनाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर देखते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्ष 2015 में बना, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 2015 में बना, उससे पहले ही उसकी जरूरत हो गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी जो है भारत में संस्था है या बॉडी है, वो वर्ष 2010 में बना। ठीक है, तो ये जो ऐसे पॉइंट हैं जिसे हमको अवेयर होना जरूरी है। और हमारी जो प्रबंधन नीति है, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 को अगर देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा से बना है, उसका क्रियान्वयन बसरते ही ज़्यादा अच्छा हो, और क्रियान्वयन में कुछ शहर हैं वो आगे भी हैं, जैसे इंदौर पहला भारत में देखें तो सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, और अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वो क्या है, जो सेकेंड रैंक पे आ चुका है।
तो कहीं ना कहीं हम क्या है पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूकता, ज्यादा हमारी उत्साह यानी एंथुजियाज्म अगर हो तो ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है हम ऐसा बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा हम उसे रीयूज कर पाएं और कम से कम पॉल्यूशन ला पाएं, ठीक है। और कानून और निगरानी प्रणाली में सुधार, जैसे कानून तो बनते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन कितनी कठिनाई से या किस सरलता के साथ हो रहा है ये काफ़ी हद तक आपके परिणाम को दर्शाता है। यदि इसको लागू करने में काफ़ी कठिनाई है तो ऑब्वियसली परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, संतोषजनक नहीं मिलेंगे। यदि आप में सुधार की अच्छी क्षमता है और उसको बड़ी सरलता के साथ आप क्रियान्वित कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका परिणाम अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो बना था तो वो 8 प्रमुख प्रदूषणकारी तत्वों को लेके बना था जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब उसके बावजूद जो कहना चाहिए भारत के विभिन्न शहरों में रहने के विभिन्न शहरों में इसे लागू होने के बावजूद आज दिल्ली तो प्रदूषित है ही, साथ साथ बहुत सारे और भी शहर प्रदूषित हैं। तो कानून को हमको थोड़ा कठिनाई के साथ या माने कि थोड़ा अच्छे से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, याद रखिए ये चीज आप समझ गए। उसके बाद देखिए पर्यावरण हितैषी बने यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन करें यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत के कुल भूभाग का 1/4 भाग वन है तो क्यों ना हम उसे 1/3 की ओर ले चले, क्योंकि याद रखिएगा पर्यावरण में जो प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी बड़े अब्जॉर्बर होते हैं पोल्यूटेंट को, यानी कि जितने भी प्रदूषक होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफ़ी हद तक वो जो स्वसंतुलन वाली बात मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्षमता उसमें पाई जाती है। यदि उसे ही आप नष्ट कर दें, ठीक है, उसे ही आप नष्ट कर दें तो वो क्या है आपको प्रभावित करेगा। जैसे पर्यावरण का एक बहुत अच्छा क्या है कॉन्सेप्ट है कि वो एक चीज़ दूसरे चीज़ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, एक को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा प्रभावित होता ही है। जैसे मैं बताता हूँ सभी हरे पौधे क्या होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो अजैविक कारक से अपना यानी कि सूर्य प्रकाश यानी कि पानी कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाई जो है को अवशोषण का काम किए वो, ठीक है। अगर उसको ही हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसे खाने वाले जो दूसरे जीव हैं वो भी प्रभावित करे होंगे, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो हम पर्यावरण हितैषी बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को फ्रेंड बनाएं और इस प्रकार कार्बन फुटप्रिंट कम करें यानी हम कम से कम प्रयोग करें। आप मैं मेरे पहने हुए चश्मे से लेके मेरे पकड़े हुए मार्कर या मेरे पहने हुए शर्ट, आपके द्वारा प्रयोग की गई हर वो वस्तु, इवन आप जो भी देखते हैं आपसे जुड़ी हुई हर वस्तु कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट क्या करता है रिलीज करता है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है उसे कम करना होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है कोई नहीं लिखता, आप ऐसे ऐसे जो जरूरी पार्ट है जरूर लिखें, कार्बन फुटप्रिंट को लिखें, वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक को भी जरूर लिखें। जैसे कि एक वायु गुणवत्ता सूचकांक के जो मानक है अगर वो 0 से 50 है तो स्वच्छ वायु है, 50 से 100 है तो एक संतोषजनक वायु है उसका मानक, अगर 100 से 200 है तो उसका मानक क्या है सामान्य प्रदूषित में आएगा, और अगर 200 से 300 है तो खराब श्रेणी की वायु कहलाएगी, और अगर 300 से 400 है तो बहुत खराब श्रेणी की वायु कहलाएगी, और अगर जो है 400 से 500 हो गया तो एक गंभीर श्रेणी की वायु है। तो आज की स्थिति में जो दिल्ली की जो प्रदूषित वायु है ना वो 400 से 500 लेवल तक पहुंच चुकी है, तो सोच सकते हैं कि किस गंभीर कहना चाहिए वायु प्रदूषण क्षेत्र में दिल्ली या NCR के वासी रह रहे हैं। तो कल वो घटना कल हमारे साथ भी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे तथ्यों का प्रयोग करें। अंतिम में हमारा जो पॉइंट जो है वो निष्कर्ष या कंक्लूजन है तो उसे भी आप समाप्त इस प्रकार कुछ प्रभावशाली शब्दों के द्वारा करें।
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण हितैषी बने और कार्बन फुटप्रिंट कम करें, जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रियान्वयन सरलता के साथ करें, यानी कि हमको उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की आवश्यकता ये दर्शाएं। और ये केवल किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है कि हम वायुमंडल को स्वच्छ बनाएं ताकि एक पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसके अलावा कुछ आप चाहें तो कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ कोट वगैरह, कुछ कोटेशंस वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो आई होप इतना आप समझ पाए, और इस अगर आपने ये ज़रूरी पॉइंट है इतना अगर आप नोट कर चुके हैं तो आप मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरी जो कंटेंट जो ज़रूरी था आपको वो आप पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ ऐसा बच गया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।